सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाले दो वॉल क्लाइंबिंग कार के, और आज की इस वीडियो में हम करने वाले इस दोनों कार के बीच में फाइट। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चले गए फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारी फर्स्ट वॉल क्लाइंबिंग कार को। इसका नाम है वॉल रियलिस्टिक कार। देखो गाइस, इसका टोटल 4 कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चले फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक्स नहीं किया तो फटाफट से लाइक्स कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो गाइस, यहाँ पर कार का पैकेजिंग कुछ इस तरीके से किया गया है यार, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग किया गया है। और एक बार यहाँ पर कार की डिजाइन तो देखो, एकदम खतरनाक टाइप का, एक अलग ही टाइप का डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये जो कार है ना गाइस, दीवार के ऊपर से चढ़ सकते हैं, बहुत स्पेशल एक कार है। तो मैं आप लोगों को वीडियो की एंड में दिखाऊंगा दीवार के ऊपर में चला के। तो देखो गाइस, इसके पीछे मिल जाता है इसका ऑन ऑफ का स्विच एंड वॉल क्लाइंबिंग मोड और एक चार्जिंग पॉइंट। देखो गाइस, इसके फ्रंट में आपको तो पावरफुल हेडलाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे ब्लू कलर का। तो चलिए गाइस, फटाफट से देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज देखने को मिल जाती है। देखो गाइस, यहाँ पर देखने को मिल जाती है एक यूजर मैनुअल, जिसको पढ़कर आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से चला सकते हो। तो आप इसको सबसे पहले पढ़ लेना। और देखो गाइस, इसके अंदर और एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर रिमोट है। तो एक बार रिमोट की डिजाइन तो देखो यार, पूरा ब्लैक कलर का रिमोट यहाँ पर आती है। और इसका फिनिशिंग देख लो गाइस, इसका क्वालिटी देखो, और इसके अंदर कितना सारा स्विच देखने को मिलता है। और इसका जॉयस्टिक की जो क्वालिटी है ना गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। रिमोट के अंदर आपको 2 LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक खुफिया चार्जर भी देखने को मिल जाएंगे। इस कार के साथ कोई भी चार्जर नहीं आता है, इसी से आपको चार्ज करना होगा। और देखो गाइस, इसका पीछे मिल जाता है इसका बैटरी का कंपार्टमेंट, यहाँ पर आपको 6 AA साइज का सेल डालना होगा। तो चले गए फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारी इस वॉल क्लाइंबिंग कार को। तो देखो गाइस, इसके अंदर कितना सारा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 360 डिग्री रोटेशन भी करती है, इसके अंदर पावरफुल लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे, और ये वॉल के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से चल सकती है। तो देखो गाइस, मैंने अभी इसको बाहर निकाल लिया, तो इसके साथ भी देखने को मिल जाता है कि यूजर मैनुअल। आप सबसे पहले इसको आराम से पढ़ लेना, नहीं तो आपको इसे चलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। देखो गाइस, ये रहा हमारी कमाल धमाल वाली वॉल क्लाइंबिंग कार का डिजाइन। देखो गाइस, एकदम सुपर कार की तरह देखने में लग रही है। और इसका जो क्वालिटी है गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और इसका जो वेट है ना गाइस, उससे काफी ज्यादा हल्की है। आप देख सकते हो इसका जो डिजाइन है, काफी प्यारा देखने को मिल जाता है। इसके पीछे और सामने दोनों जगह पर ही देखने को मिल जाता है आपका हेडलाइट एंड बैकलाइट। और इसका रिमोट की क्वालिटी तो देखो यार, एकदम खतरनाक वाली रिमोट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये रिमोट कंट्रोलर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कौन सा रिमोट कंट्रोलर अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो गाइस, इसके अंदर भी आपको 6 AA साइज की सेल इंस्टॉल करना होगा। तो गाइस, देखने में और साइज के मामले में तो दोनों ही कार लगभग सेम ही साइज का है, बट यहाँ पर वेट के मामले में जो रेड कार है, ये काफी हल्का फुल्का है। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर और कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। तो दोस्तों, मैं अभी दोनों ही कार को लेकर आ चुका हूँ बाहर, और ये जो कार है ये रोड के ऊपर नहीं चल सकती, तो इसीलिए मैं इसका एक स्मूथ सरफेस जगह पर लेकर आ चुका हूँ। तो चले गए फटाफट से लगा लेते दोनों कारों के बीच में रेस, देखते कौन है यहाँ पर ज्यादा पावरफुल। तो देखो गाइस, यहाँ पर हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर रेड कार जो है काफी आगे निकल चुके हैं, बट यहाँ पर जो ब्लैक डिजाइन कार है ये उतना दूर नहीं जा पा रही, क्योंकि गाइस इसका जो टर्निंग रेडियस बहुत ही ज्यादा है। देखो गाइस, एक ही जगह पर कितना ज्यादा घूम रहा है, तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो देखो गाइस, एक बार यहाँ पर रेड कार को, तो देखो इस रेस का विनर है हमारी रेड कार। चलो गाइस, अभी हम लगाते दोनों कारों के बीच में टग ऑफ वॉर, वो भी गाइस सिंपल मूड में। इसके बाद हम लगाएंगे इसको वॉल क्लाइंबिंग मूड में टग ऑफ वॉर। देखो गाइस, यहाँ पर हमारी टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देखो दोनों ही कार गाइस, देखो कितना ज्यादा कोशिश कर रही है एक दूसरे को खड़ाने की, बात देखो गाइस यहाँ पर कोई भी आगे नहीं जा पा रही है। दोनों ही कार एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे। तो चलो गाइस, अभी हम वॉल क्लाइंबिंग मूड में इसका टग ऑफ वॉर कराएंगे। तो देखो गाइस, अभी मैंने कर दिया वॉल क्लाइंबिंग मूड ऑन। देखो गाइस, दोनों ही कार कैसे एक ही जगह पर घूम रहे, साइड बाय साइड कैसे घूम रहे। तो यहाँ पर दोनों ही कार की पावर लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। दोनों ही कार यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर रही है एक दूसरे को हराने की, बात दोनों ही कार यहाँ पर टाई हो चुकी है। और अगर लुकिंग की बात किया जाए तो देखो गाइस, यहाँ पर हमें जो डिजाइन वॉल क्लाइंबिंग कार है, इसका लुकिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाती है। इसका फ्रंट का हेडलाइट गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से जलता है। तो चलिए गाइस, अभी हम कर लेते दोनों कारों की पुशबैक फाइट। देखो गाइस यार, जोरदार टक्कर हुआ है यार, दोनों ही कार दोनों ही तरफ मुड़ चुका है। तो चले गाइस, फिर से लगा लेते हैं। तो देखो गाइस, फिर से पुशबैक फाइट शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर दोनों ही कार कितना ज्यादा कोशिश कर रही है एक दूसरे को हराने की, बट दोनों ही कार यहाँ पर भी टाई हो चुके हैं। तो चले गए फटाफट से काट लेते इसको वॉल क्लाइंबिंग मोड को टेस्ट। तो देखो गाइस, अभी मैंने इसको काट दिया ऑन। तो चला ही फटाफट से इसको दीवार के ऊपर रख देते। तो देखो गाइस, मैंने अभी इसको दीवार के ऊपर रख दिया, और देखो कुछ इस तरीके से चिपक गया है। तो चले गए फटाफट से इसको भी रख देते, और देखते हैं कौन सी कार जो है इस दीवार के ऊपर अच्छी तरीके से चल सकती है और अंत तक टिक के रह सकता है। देखो गाइस, अभी मैंने दोनों ही कार को दीवार के ऊपर रख दिया, और दोनों ही कार अभी वॉल क्लाइंबिंग मोड में। तो देखो गाइस, अभी मैंने दोनों ही कार को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर बात किया जाए रेड कार की चलने की, तो देखो गाइस, यहाँ पर रेड कार जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, और इसका मतलब जो टर्निंग रेडियस है बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इसका कंट्रोलर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। देखो गाइस, कितने अच्छी तरीके से दीवार के ऊपर चल रही है, बट यहाँ पर ब्लैक कार जो है नीचे जा रही है। देखो गाइस, और यहाँ पर रेड कार जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ही जगह पर अच्छी तरीके से खड़ा भी रह सकता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल भी रही है। और इसका अंदर आपको ना टर्न लाइट भी देखने को मिल जाएंगे। और देखो गाइस, यहाँ पर ब्लैक कार जो है उतना अच्छी तरीके से नहीं चल पा
पा रही है। इसका स्मूथनेस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और देखो गाइस ये कैसे नीचे की तरफ चली आ रही है, और देखो गाइस कैसे आते आते गिर भी गया। तो इस राउंड का विनर है रेड कार। तो आपको कौन सा कार अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दोनों कार का ही बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।